नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और सिलसिला बाजारों का में एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आप सबके लिए कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज शुक्रवार के दिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, सुबह के कारोबारी सत्र में किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कमोडिटी बाजार का अपडेट जानने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको भी लॉकडाउन का डर सता रहा है और ओमिक्रॉन का डर है कि कहीं पहले की तरह ही लॉकडाउन ना लग जाए और आपका व्यापार ठप ना हो जाए, तो ऐसे में आपको और घबराने की जरूरत नहीं है। आ गई है माई बिग ब्लिस ऐप, जिसे आप प्ले स्टोर से जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। MYMYBIGBLISSS माई बिग ब्लिस। तो ये ऐप आपकी सेल को सिर्फ ओमिक्रॉन से बचाएगी ही नहीं बल्कि बढ़ाएगी भी, आपकी सेल ग्रोथ बढ़ा सकती है। करना छोटा सा ये काम होगा, पहले तो ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पर जाकर, फिर इस ऐप पे अपनी दुकान रजिस्टर करनी है या फिर अपना स्टोर बना लेना है। अगर आपकी कोई दुकान भी नहीं है या फिर आपको एक गृहिणी है, स्टूडेंट है, एम्प्लॉई है, पार्ट टाइम जॉब करना चाह पार्ट टाइम कुछ इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं, तो ये ऐप आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको कोई कंपनी रजिस्टर करनी हो या फिर कुछ रजिस्ट्रेशन करना हो, सिर्फ और सिर्फ ऐप पर आपको सिंपल अपना स्टोर बनाना है, जो प्रोडक्ट्स आप बेचना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट्स चढ़ाने हैं और फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट, आपका जो स्टोर है वो लाइव हो जाएंगे और आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। इस चीज़ के लिए, इस प्रक्रिया के लिए आपको किसी को भी एक रुपया नहीं देना है। ऐप बिल्कुल मुफ्त है, रजिस्ट्रेशन भी फ्री है और प्रोडक्ट जो लाइव होंगे वो भी बिल्कुल फ्री हैं। तो तुरंत डाउनलोड करें माई बिग ब्लिस ऐप। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आज के कमोडिटी बाजार के अपडेट की। नॉन एग्री कमोडिटी से शुरुआत करेंगे, सोने चांदी से। तो देख रहे हैं कि हम आज गोल्ड $1810 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और सिल्वर आधे फीसदी की तेजी के साथ $22.9 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में ओमिक्रॉन का ऐसा कुछ खास असर देखने को नहीं मिला है कि डेथ केसेस बहुत ज़्यादा निकल के सामने आ रहे हों। हालांकि जो केसेस हैं ओमिक्रॉन के, जो मामले हैं वो तेज़ी से ज़रूर फैल रहे हैं, लेकिन जो व्यापक असर जो हमने डेल्टा वेरिएंट के द्वारा देखा था वो देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से अभी जो मार्केट सेंटीमेंट्स हैं वो लगभग पूरे ही मान के चले कि पॉजिटिव बने हुए हैं। और दूसरा, फेडरल रिजर्व बैंक ने जो बोल दिया था कि वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ में अभी इतने कोई चेंजेस नहीं करेगा, इतनी टाइट पॉलिसीज़ नहीं आएंगी, इतना उठापटक नहीं होगी पॉलिसीज़ के अंदर, तो उसकी वजह से भी हमने सोने चांदी में बढ़त बनती देखी थी। लेकिन जिस दिन ओमिक्रॉन के केसेस ज़्यादा आ जाते हैं विदेशों में या भारत में, उस दिन जो सोने का बाज़ार है वो थोड़ा चढ़ता नज़र आता है। लेकिन इसमें डॉलर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डॉलर में भी जिस दिन गिरावट होती है सोना चढ़ा हुआ रहता है, जिस दिन तेजी रहती है सोना लुढ़का हुआ रहता है। तो इन्हीं सभी फैक्टर्स के मद्देनज़र अभी सोने चांदी की जो कीमतें हैं वो ऊपर में उठापटक के साथ देखने को मिल रही है। वहीं कल जब हमारी रूपा मेहता से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि सोना अभी नीचे में $1780 से लेकर ऊपर में $1820 की रेंज में ट्रेड करता नज़र आ सकता है। वही रेंज हम आज भी देख रहे हैं, जैसा रूपा मेहता ने बताया था कल के कारोबारी सत्र में कि इस रेंज में देखने को मिलेगा, और वही रेंज हम देख रहे हैं कि इस वक्त गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में कॉमेक्स पर $1810 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। तो आज सोने चांदी में क्या रेंज रहेगी इंट्राडे में आगे जाके, क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और आने वाला कारोबारी सप्ताह सोने चांदी के लिए कैसा रह सकता है, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं आगरा एमसीई पर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रूपा जी। रूपा जी, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, देख रहे हैं कि सोना आज भी बढ़त के साथ ही ट्रेड करता नजर आ रहा है, चांदी में भी बढ़त देखने को मिल रही है, और आपने जो रेंज दे रखी थी कि नीचे में $1780 और ऊपर में $1820, उसी रेंज के दायरे में देख रहे हैं कि सोना ट्रेड करता नजर आ रहा है। इस वक्त देख रहे हैं $1810 पर है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सोने में यहां से अब धीरे धीरे बढ़त बननी शुरू हो जाएगी और आने वाला कारोबारी सप्ताह सोने चांदी के लिए कैसा रह सकता है? देखिए, अभी फिलहाल सोने और चांदी एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोने में और चांदी की अगर बात करें तो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी अभी फिलहाल इस हफ्ते भी देखने को मिली है और नेक्स्ट वीक भी देखने को मिल सकती है। आज अहम डाटा भी यूएस का निकल कर आना है, जॉब क्लेमलेस जॉब का भी डाटा निकल कर आना है, पेरोल का। तो अभी मुझे लगता है कि अभी सोना जो है एक रेंज में रह सकता है। $1820 अहम सपोर्ट है अपसाइड में, और नीचे में $1760 है। 1820 के ऊपर निकलता है तो एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 47,800 से लेकर 48,400-500 की रेंज
फिलहाल सोने की बनती हुई दिखाई दे रही है। आज हल्की गिरावट घरेलू बाजारों में देखने को मिल रही है, जबकि विदेशी बाजारों में खरीदारी है और मुझे लगता है कि अब घरेलू बाजारों में भी 48,000 के सपोर्ट के साथ इसमें एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है और बाजार ऊपर में 48,200-250 तक ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं इंट्राडे में। तो फिलहाल एक काफी सीमित दायरा, ये हफ्ता भी सीमित दायरे के साथ बंद होता हुआ दिखाई देगा और नेक्स्ट वीक में भी बाजार जो है हो सकता है कोई एक बड़ा ट्रिगर आए और उससे मार्केट जो है रिएक्ट होती हुई दिखाई दे, लेकिन फिलहाल डॉलर में आ रही वीकनेस की वजह से सोने चांदी में सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, ये से रूपा जी देख रहे हैं कि आज ब्रेंट में कल के मुकाबले कुछ बढ़त है, $76.5 प्रति बैरल पर ट्रेड करते नजर आ रहा है, हालांकि हल्की सी करेक्शन है, और WTI सवा 1% की तेजी के साथ $73 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, मार्केट में अभी ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिली है, अभी इतने कोई ज्यादा केसेस देखने को नहीं मिले हैं ओमिक्रॉन के की, हालांकि जो एक्टिव केसेस हैं उनमें थोड़ी बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है, लेकिन जो डेथ केसेस हैं उसका जो रेट है वो काफ़ी कम है। इसराइल में एक ही मौत हुई है, अमेरिका में भी कुछ ही मौत हुई है, ऐसे में जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं वो थोड़े पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से देख रहे हैं कि जो बिजनेस हैं वो अपने रनिंग ऑर्डर में ही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर सिचुएशन ऐसी ही बनी रही और लॉकडाउन वाली परिस्थिति ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है तो आगे क्रूड का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए, फिलहाल क्रूड में पॉजिटिव सेंटिमेंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्रूड का बाजार पॉजिटिवली, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि $75 ऊपर में एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है, फिलहाल वही रेंज है। अभी थोड़ा वीकेंड भी है अगले नेक्स्ट वीक में क्रिसमस को लेकर, और अभी ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही है और $73 के ऊपर निकल चुका है, तो अभी $75 तक एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जिस तरीके से कल हमने इसकी इन्वेंट्रीज में गिरावट आते हुए देखी तो वो भी एक सेंटिमेंट है पॉजिटिव, दूसरा डॉलर में वीकनेस है इसकी वजह से भी सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल अभी बाजार जो है वो पॉजिटिव ही है और आगे भी अगले वीक में भी वॉल्यूम्स कोई बहुत ज्यादा होने वाले नहीं है, क्योंकि वीकेंड का माहौल रहेगा छुट्टियों का, क्रिसमस की छुट्टी का, तो न्यू ईयर भी है, तो इस वजह से बाजार अभी सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे और फिलहाल क्रूड जो है पॉजिटिव है $75 तक। जी, इसी रूपा जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में आप हमेशा पॉजिटिव ही रही हैं, आपने बेस मेटल्स में हमेशा निचले स्तर पर खरीदारी करके चलने की सलाह दी है हमारे दर्शकों को, और आज देख रहे हैं कि बेस मेटल्स में जैसा आपने कल बताया था ठीक वैसे ही तेजी आज बनती भी नजर आई है। आपको क्या लगता है कि आने वाला कारोबारी सप्ताह भी बेस मेटल्स के लिए पॉजिटिव ही बना रहेगा? देखिए, बेस मेटल्स में अभी पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड ही है और जिस तरीके से बाजारों में रिएक्शन देखने को मिल रहा है, कॉपर अगेन 740 से 760 की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर बात करें लेड और जिंक की तो उसमें भी एक सीमित दायरे में कारोबार एक्सपेक्टेड है, और इसी के साथ निकल 1540 से लेकर 1560 1580 फिलहाल ये रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है, और अभी मुझे लगता है कि वीकेंड की वजह से थोड़ा छुट्टियों का माहौल है तो सुस्ती के साथ सभी कमोडिटीज में फिलहाल वॉल्यूम्स आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही है। कॉपर की बात करें तो कॉपर आज इंट्राडे में भी नीचे की जो रेंज है 742 और ऊपर में 758 तक एक अपसाइड मोमेंटम पकड़ सकता है, यानी 10 से 15 रुपए की तेजी फिलहाल कॉपर में बनती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं निकल की बात करें तो निकल में भी 1560 तक एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, टॉपिक्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से जो आने वाले कारोबारी सप्ताह में भी अच्छा मुनाफा देके चल सकते हैं नॉन एग्री के? देखिए, अभी फिलहाल क्रूड और बेस मेटल्स ये दोनों ही कॉमोडिटीज काफी अच्छी दिखाई दे रही हैं, यहाँ से क्रूड $75 तक की तेजी की तरफ है, तो मुझे लगता है कि क्रूड में $75 एक्सपेक्टेड है कि ये लेवल्स टच हो सकते हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस के साथ पोजीशन बनाइएगा क्योंकि काफी वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर, और सोना और चांदी भी निचले स्तरों पर संभलते हुए दिखाई दे सकते हैं। सोना 48,400 से 500 की रेंज दिखा सकता है, फिलहाल कच्चे तेल में खरीदारी की जा सकती है और वहीं सोने और चांदी में भी हल्की खरीदारी करके चला जा सकता है। जी, तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की।